एक्सरसाइज 68 का क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग के पास, और यहाँ पे क्या कह रहा है, ड्रॉ द एंगल्स व्हिच मेजर्स आर, मतलब इस नाप का एंगल ड्रॉ करना है, 35 डिग्री, 60 डिग्री और इतना सारा दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग को ड्रॉ करना होगा। तो इसके लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा प्रोटेक्टर का और एक स्केल का आवश्यकता पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है प्रोटेक्टर और एक स्केल, और इसको बनाना होगा वाइट पेज पर। तो इसको लेते हैं, एक वाइट पेज यहाँ पर है और 6 नंबर का क्वेश्चन इस पर मैंने लिख लिया है और यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट में ए नंबर में दिया हुआ है 35 डिग्री, तो इसमें जो है बनाने के लिए आपको पेपर को आपको जैसे भी घुमाना पड़े आप वैसे घुमाकर बनाइए ताकि आसानी से वो बने। तो सबसे फर्स्ट में जो है हम लोग बनाते हैं और यहाँ पर ए नंबर लिख लेते हैं, ए नंबर में 35 डिग्री दिया हुआ है। इसको बनाने के लिए क्या करना है, एक सीधा लाइन लेना है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन खींच लेना है, खींच लिए। सपोज यहाँ पे ये जो है पॉइंट है, ठीक है, अब यहाँ पे प्रोटेक्टर को आपको सेट करना, इसका जो पॉइंट होता है यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये जो है यहाँ पे, तो ये पॉइंट इस पर इसी पे पॉइंट बैठाना है और लाइन पे लाइन मिलाना है। उसके बाद जो है 30 डिग्री, यहाँ पे 30 हो गया तो 35, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए 35 पे, ये हो गया। अब यहाँ पे जो है इसको स्केल से ना खींचें, अगर स्केल की आवश्यकता नहीं है तो स्केल से खींचने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको जो है आप इससे मिला लीजिए, इससे भी खींचा जा सकता है। तो इसको यहाँ पे इस तरह से सेट कर लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट सेट कर लेना है और फिर यहाँ पे लाइनिंग खींच दीजिए, यहाँ पे ये हो गया, ये लाइनिंग हो गया, तो ये 35 डिग्री का बन गया एंगल, यहाँ पे 35 डिग्री लिख दीजिए, 35 डिग्री। इस तरह से अगर मैं सारा बना के दिखाऊंगा तो काफ़ी जो है लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो मैं 2-3 तो बनाकर आपको दिखा देता हूँ, बाकी फिर बना हुआ दिखा दूंगा 60 डिग्री। तो फिर जो है आप एक लाइनिंग ले लीजिए, सीधा लाइन ले लेना है आपको, ये सीधा लाइन हो गया, और यहाँ से इसको पॉइंट, सपोज जहाँ से स्टार्ट हुआ ये पॉइंट है, और इसको लाइन टू लाइन बिल्कुल मिला लीजिए, और 60 जहाँ है इधर से शुरू होता है, इधर से आगे चलेगा, तो 0 यहाँ हो गया, और यहाँ पे इधर से 40, 50, 60, तो यहाँ पे ठीक यहाँ पे बिंदु लगा लीजिए, और इसको इधर से मैं करूँगा तो लाइट नहीं दिखेगा इसलिए मैं इधर से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप ठीक से मिला लीजिए और इसको लाइनिंग को खींच दीजिए, ये हो गया 60 डिग्री, ये बन गया। तो इसको यहाँ पे इस तरह से कर दीजिए और यहाँ पे 60 डिग्री लिख दीजिए, इस तरह से ड्रॉ हो गया। इस तरह से आप सारा बना सकते हैं, मैं एक और दिखा देता हूँ आप लोगों को, इसमें जो है मैं आगे दिखा दूँगा जो ऑब्ट्यूज एंगल है जो 90 डिग्री से ज़्यादा है उसको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर एफ में 145 डिग्री दिया हुआ है और ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है 90 डिग्री से ज़्यादा, तो यहाँ पे इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे मैंने सीधी लाइन ले लिया है और यहाँ पे पॉइंट पे बिल्कुल मिलाना है लाइन टू लाइन 145 डिग्री, तो यहाँ से 90, 100, 110, 120, 130 और ये 40 हो गया, तो 40 और 50 के बीच में जो है 145 हो गया, तो यहाँ पे पॉइंट मिला लीजिए, पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे इसको मिलाने के बाद जो है लाइन मिला दीजिए, यहाँ पे हो गया, पॉइंट मिल गया, ये बन गया 145 डिग्री। इस तरह से और कंप्लीट हो गया जी एच आई जे, तो कंप्लीट कर लेते हैं उसको। तो यहाँ पे मैंने सारा एंगल ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पे सी में 45 डिग्री है, यहाँ पे मैं नाप कर दिखा देता हूँ, ये हो गया 45 डिग्री, यहाँ पे 40 50 के बीच में 45 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ये 85 डिग्री ई नंबर का, और जी नंबर में यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल है तो यहाँ 150 डिग्री, तो 150 डिग्री, तो आप जो है इसको ज़्यादा इधर रखना है ताकि इधर जो है आपका एंगल बने जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा उसमें, तो 145 डिग्री यहाँ पे एच नंबर में दिया हुआ है और आई और जे में दिया हुआ है, इसको यहाँ पर रख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आई नंबर में 20 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कहा गया था, 20 डिग्री हो गया, और ये 110 डिग्री का जे नंबर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पूरी तरह कंप्लीट हो जा रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।